जाती हूँ, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं, कैसे मैं पढ़ाई कंप्लीट करूँ, कैसे मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करूँ, कैसे मैं रिवीजन करूँ, क्या मैं 90% अब भी स्कोर कर सकता हूँ, मैंने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, मुझे कुछ आता नहीं है, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट होने लग गया है। इतने सारे सवाल तुम्हारे छोटे से दिमाग में चल रहे हैं मुझे पता है, लेकिन यार ये वीडियो देखने के बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों का खात्मा तुम्हें कर दूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आई रिक्वेस्ट यू। एंड इस वीडियो को मैं बता देती हूँ, वो वाले बच्चे ही देखें जो सीरियस है थोड़ा, वो सच में चाहते हैं कि हमारे 90% आएँ। वो वाले बच्चे बिल्कुल ना देखें कि जो हर चौथी पाँचवीं वीडियो स्क्रोल कर रहे होते हैं कि देख लेते ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, उनके सबकी एडवाइस लेते फिर रहे हैं। वो वाले बच्चे मत देखें इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। यहाँ पर यार कुछ इंपॉर्टेंट टास्क मैं तुम्हें देने वाली हूँ, अगर आने वाले कुछ दिनों तक तुमने वो फॉलो करे तो मैं आपको गारंटीड कहती हूँ कि आपके बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कमेंट्स के अंदर, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे होते हैं, टेलीग्राम पे पूछते हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, लास्ट के दिनों हम कैसे पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, प्लीज़ हमें कुछ बता दो। तो लेट मी टेल यू, आपको बस एक चीज़ फॉलो करनी जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपने वो डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ फॉलो कर ली, आपके 90% पक्का आ ही जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी शिकायत करना चाहती हूँ, 70-80% बच्चे मेरी वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब वीडियो कंटिन्यूसली वो देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रही हूँ तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको चीज़ें यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका लव एंड सपोर्ट इस चैनल के लिए बना रहे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मुझे ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, बोरियत फील होती है, हमें कुछ आता ही नहीं है, कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ा है हमने। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में यही है कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी यार, तुम अपना सेल्फ एनालिसिस करके बैठो, तुम किसी और की मत सुनो, तुम सेल्फ एनालिसिस करो। एक खाली पेपर लेकर हर सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है ना वो लेकर बैठो, किताब का इंडेक्स खोल के बैठ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा यार कौन सा चैप्टर तुमने साल भर एक आध बार तो कोई चैप्टर होगा जो तुमने पढ़ा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने चैप्टर ना पढ़ा हो। तो यार तुम्हें 20-30% आता है, 30-40% भी आता होगा, तो दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। हाँ, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने सच में ही पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा है, एक आधा चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा मुश्किल है 90% लाना लास्ट के दिनों के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें फालतू में ऐसे चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाऊंगी कि हाँ आ जाएंगे तुम्हारे, ऐसा नहीं होता है। जिसने थोड़ा बहुत सिलेबस पहले से किया हुआ है उसको मैं हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ के अंदर। अब जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ ना वो 90% एक्सपेक्ट ना करे, लेकिन वो एटलीस्ट 75-80% एक्सपेक्ट कर सकता है, या 85% भी एक्सपेक्ट कर सकता है। लास्ट के टाइम पर ये जो टाइम चल रहा है बहुत पीक टाइम है, इस टाइम पे जो कर लेगा वो कर लेगा और जो नहीं करेगा ना वो पीछे रह जाएगा, है ना। लिटरली मैंने से बहुत सारे बच्चे देखे जो टॉपर रहते पूरे साल भर और इतने ओवर कॉन्फिडेंट घूम रहे होते कि भाई हमको तो सब आता है, हम तो टॉपर रहे हुए हैं, हमको तो सब आता है, तो हमारा तो हो जाएगा 90-95%, हमारे लिए तो बहुत छोटी बात है, चुटकियों वाली बात है, हो जाएगा। तो उन्हीं के बच्चों के नंबर कम आते हैं। और मैंने ये भी देखा जो एवरेज बच्चा होता है ना, जिसको लगता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो अपना पूरा बेस्ट डाल देता है ना, इस टाइम पर वो जीत जाता है, उस टॉपर को भी क्रॉस कर जाता है। तो बात वही होती है माइंडसेट की, सबसे पहली बात। दूसरा, अब प्रॉपर अप्रोच क्या रहनी चाहिए, अप्रोच के हिसाब से मैं तुम्हें बताऊं तो यार तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ 10-12 दिन रह गए हैं। अब तुम्हें बेसिकली कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्योंकि मेरा मानना इतना ही है कि अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब इसके लिए कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होते कि ये करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। यहाँ सिर्फ ये होता है पढ़ाई करोगे तो नंबर आएंगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। सिंपल सी बात, ये फंडा मैं जानती हूँ, ठीक है। तो अब पढ़ाई को करना कैसे और एक दिन को यूटिलाइज कैसे करना है अच्छे से। जब तुम्हारा दिन प्रोडक्टिविटी के साथ बीतता है ना, तो अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है, और जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हें इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है, तुम्हें लगता है कि हाँ यार पूरे दिन में कुछ तो फाइट मारी हमने, तो वो फाइट मारने के लिए रेडी हो जाओ। अब इस टाइम पर ये टाइम तुम्हारा वो नहीं है कि जो तुम सोचो कि आज 5 घंटे पढ़ रहे हैं, कल 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आज तो मन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये टाइम वो टाइम आ चुका है जब तुम्हें 12-13 घंटे मिनिमम एक दिन में पढ़ना पड़ेगा। 12-13 घंटे में कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें थ्योरी वाला सब्जेक्ट दिन में पढ़ सकते हो तो दिन में पढ़ो, शाम में पढ़ सकते हो शाम में पढ़ो। अगर अब 12-13 घंटे नहीं पढ़ोगे तो मुझे नहीं पता लाइफ में फिर कब पढ़ोगे अपने 12-13 घंटे। दीदी 12-13 घंटे पढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन टाइम टेबल ही नहीं बनता है, समझ नहीं आता है कि कौन से टाइम पर क्या पढ़ें और आज के दिन में हमने कितने चैप्टर्स करने हैं। अगर मान लो हमने टू डू लिस्ट बना भी ली तो हमसे होता ही नहीं, क्योंकि वो एकदम अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है। तुमने सोचा कि भाई आज का दिन तो शुरू है, शुरू होता ना दिन तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस
टेंशन रहता है कि आज ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, वो कर देंगे। लास्ट में जब दिन जाता जाता रहता है ना, तब पता लगता है कि यार सच में कुछ नहीं हो पाया अब तक। तो वही है ना, उस दिन को अच्छे से मैनेज करना अभी आना चाहिए। मैं जनरली तुम्हें ये नहीं कहती हूँ कभी भी कि तुम इस टाइम पे उठो, इस टाइम पे सो, ये करो वो करो, मैं कभी भी नहीं कहती हूँ। लेकिन यार लास्ट के दिन में अब ज़रूरी है, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें ये जानना कि तुम कितने घंटे सो रहे हो, तुम्हें ये जानना कि तुम कब उठ रहे हो, तुम कब सो रहे हो, ये सारा रूटीन और दिन में तुम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ से टाइम की कटौती करनी पड़ेगी। रात को अगर जल्दी सो के सुबह लेट तक उठ रहे हो तो यहाँ पर टाइम की कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि नींद 6 से 7 घंटे की ही मैक्सिमम जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब ये 12 घंटे का प्रॉपर स्टडी रूटीन मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करती हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट पर आपको डेली बिना किसी मिस के मैं आपको हमेशा ये शेड्यूल देती हूँ। प्लीज ये शेड्यूल फॉलो करो। आने वाले कुछ दिनों तक 19 या 20 फरवरी तक ये शेड्यूल आप फॉलो करोगे, आपका सिलेबस मैं 70 से 80% कंप्लीट करवा दूंगी। आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा इसके लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे कम्युनिटी पोस्ट के। अगर इनकेस यूट्यूब कभी आप तक नोटिफिकेशन ना पहुंचा पाए तो शाम को 8-9 बजे के अराउंड आकर आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक करेंगे, आपको रोज मेरा शेड्यूल आपको रेडी मिलेगा 12 घंटे का, जिसमें मैं आपको प्रॉपर स्टडी टास्क देती हूं कि इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स करने हैं, इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स करने हैं, आज इतना गोल कंप्लीट करना है। आप ट्रस्ट में उसे फॉलो करके देखिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। हजारों बच्चे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करिए। बात करते हैं दो टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास में। नंबर 1 स्टूडेंट्स जिनके पास हिंदी एक एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 2 जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट है। तो हिंदी वाले बच्चे जिनका 19 फरवरी को एग्जाम है, हिंदी के लिए यार मैं अपने डेली शेड्यूल में तुम्हें 2-2 चैप्टर करने के लिए देती हूँ, वो तो तुम करते जाओगे जब तक तुम्हारा हिंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन जो लास्ट के दिन रहेंगे ना, जैसे कि 17 और 18 तारीख रहेगी, 19 को तो एग्जाम है, 17 और 18 दो दिन आपको डेडिकेटली बिल्कुल हिंदी को ही देने हैं उस टाइम पर। और जिन बच्चों के पास हिंदी नहीं है, मतलब जो नॉन हिंदी वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम एक्चुअली में इंग्लिश का है 22 फरवरी को, शेड्यूल को जो मैं तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट पर दे रही हूँ ये तुम फॉलो करोगे टिल 20th फरवरी, ठीक है। 20th फरवरी को आप देख सकते हैं, 20th को मैं ज़्यादा आपसे इंग्लिश पढ़वाऊंगी क्योंकि 22 को आपका एग्जाम है, तो 20 और 21 को आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, पूरे दिन आप इंग्लिश ही पढ़ेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको सिलेबस एक बार रिवाइज भी करना है और बार बार याद भी करना है। और 20 तक मैं आपको इंग्लिश अच्छे से याद करवा दूंगी, ऑलमोस्ट इंग्लिश पूरी कंप्लीट करवा दूंगी मैं 20 तक मेरे डेली के स्टडी रूटीन के हिसाब से। और 20 और 21 दो दिन जो है वो कम्प्लीटली इंग्लिश को डेडिकेटली हम देंगे, और उसके बाद में आप इंग्लिश का पेपर देकर आएंगे। बाद में जब तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर आएगा, उसके बीच में तुम्हारे पास 5 से 6 दिन का गैप रहेगा, उस 5 से 6 दिन में तुम्हें केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करनी है, स्क्रैच से नहीं, रिविजन कैसे करना है, और जो चैप्टर्स बच गए हैं तुम्हारे वो कैसे कंप्लीट करने, क्योंकि ऑलमोस्ट चैप्टर मैं तुम्हें अभी वाले रूटीन के अंदर करवा रही हूँ। अभी वाले रूटीन को अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो टिल 19th फरवरी तक तुम्हारा मैं केमिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दूंगी, ऑलमोस्ट केमिस्ट्री तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा अगर मेरे रूटीन के हिसाब से चलोगे। और जब गैप डेज मिलेंगे तब अपन सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पर, वो भी मैं तुमसे करवाऊंगी, और गैप डेज में अच्छे से रिवीजन करेंगे केमिस्ट्री का। ऐसे ही गैप डेज अगर आपके पास फिजिक्स के मिलेंगे तब फिजिक्स में भी हम यही कर रहे होंगे, और बायो में तो जैसे आपके पास बहुत सारे गैप डेज होंगे तो बायो में भी हम अच्छे से कर रहे होंगे। इनकेस यू डोंट नो, बायो के लिए मैं भी एक फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज चला रही हूँ, जहाँ पर मैं आपको एक चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट करवाती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उसको बेनिफिट ले रहे हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो सेशन जरूर ले रहे हो बायो के लिए, मैक्सिमम रिवीजन के लिए। अगर आप इनकेस बायो के स्टूडेंट नहीं है, मैथ्स के स्टूडेंट है, तो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता देती हूँ, मैथ्स वाले बच्चों को भी मैं टारगेट देती हूँ स्टडी रूटीन के अंदर कि ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो टिल 19th फरवरी आपका सिलेबस 70-80% कंप्लीट हो जाएगा मेरे स्टडी रूटीन के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये स्टडी रूटीन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपको आगे जाके रिग्रेट ना हो और वापस आप सवाल ना पूछे कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तो तुम्हारे पूरे डेली स्टडी रूटीन को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है, और वो मैं कर दूंगी। आप उतनी टेंशन मत लो, बस आप ये टेंशन लो कि पढ़ाई करनी है, जो मैं टास्क दे रही हूँ ना वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसमें भी थोड़े बहुत तुम्हारे बाकी रह जाएंगे, इतना तुमसे हो सकता है तुम अपना पूरा एफर्ट मारो, 80-90% तो एटलीस्ट तुम्हारा टास्क कंप्लीट होगा हर दिन का। जो बच जाता है अपन उसको गैप डेज में कवर अप कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ उसको करो ज़रूर, ठीक है। तो यार इस वीडियो के पीछे बस यही मोटिव था कि अब 12 से 13 घंटा पढ़ना है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्टरनेट ऑप्शन होता तो मैं बता देती, लेकिन अब सच में कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बस पढ़ाई करनी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, ताकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के PDF सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और केमिस्ट्री के लिए जितनी भी ऑल नेमिंग रिएक्शन है उनका एक मैंने कंप्लीट PDF बना के दिया है प्यारा सा, जिसमें सारी रिएक्शंस एक जगह पे मेंशनड है, तो उसको भी आप देख सकते हो। डेली बेसिस पे उन सारी रिएक्शन को रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। बिल्कुल ये मत सोचना कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पर जो हार मान गया वो मान जाएगा हार, और जो
सोचेगा ना कि मैं कर लूंगा, वो कर ले जाएगा और आप सोचते रह जाओगे यार ये बंदा कैसे कर लिया। कि हम किसी और के लिए चीज ना सोचे कि इसने कैसे कर लिया, हम अपने आप के लिए सोचे, अपने आप को ही सरप्राइज कर दे कि भाई तूने क्या कर दिया कमाल लास्ट के कुछ दिनों के अंदर आके। लोगों को भी सरप्राइज करो, खुद को भी सरप्राइज करो, दैट्स इट। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। अब आपको करना है बिल्कुल करिए, आपके नंबर आएंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बस वीडियोस के लूप में फंसे रहेंगे पूरे दिन, यूट्यूब पे ही सर्च करते रहेंगे क्या करना है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा और उसी में फंस के रह जाना और कुछ नहीं होगा लास्ट के अंदर, जीरो रिजल्ट मिलेगा। बस कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैं डेली आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, स्टडी रूटीन है, वो ही स्टडी रूटीन फॉलो करना है और उसी हिसाब से ही अपना काम करते रहे। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जाएगा #challengeaccepted। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।